क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा अगर आप किसी घने रेन फॉरेस्ट में फंस जाएं, जहां के रास्ते आपके लिए एकदम नए और अनजान हो, जहां की गतिविधि आपके लिए अनजान हो, जहां सूरज की एक किरण भी आपको देखने को न मिले, जहां हर पल आपका सामना जहरीले कीट पतंगों और पशु पक्षियों से हो, आपकी मदद के लिए भी दूर दूर तक कोई न हो। जहरीले कीट पतंगों और खतरनाक जानवरों से भरे ऐसे वर्षावन में जहां आपके पास खाने भर को भी कुछ न हो और शरीर भी आपका साथ न दे, तब ऐसी डरावनी और मुश्किल परिस्थितियों में कैसे सरवाइव कर पाओगे आप? ऐसे प्रश्न की तो कल्पना भी हमारी रूह कपा देने वाली होगी। कहते हैं कि हम इंसानों के पास एक खास शक्ति होती है और वो है इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर। इंसान अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है, चाहे फिर वो भीषण और डरावनी परिस्थितियों में जिंदा रहने की ही इच्छा शक्ति क्यों ना हो, वो भी तब जब हमारा शरीर भी हमारे अनुकूल ना काम करे। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत वो कर दिखाया जो शायद हमारे लिए अकल्पनीय हो। जूलियन कोयपेके अपने माता पिता के साथ जंगल में शोध यात्रा किया करती थी। 24 दिसंबर 1971 को जूलियन और उसकी माँ क्रिसमस पार्टी के लिए अपने पिता के पास जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लीमा से हवाई जहाज से जाने का निर्णय लिया। उड़ान भरने के बाद लगभग आधे घंटे तक सब कुछ ठीक था, उन्होंने सैंडविच खाए और कोल्ड ड्रिंक भी पी। इसके लगभग 10 मिनट बाद वो हवाई जहाज एक विशाल आंधी में उड़ने लगता है। अचानक ही दिन की साफ रोशनी रात के अंधेरे में बदलने लगती है और तभी सभी दिशाओं से तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है। हवाई जहाज के हिंसक रूप से हिलने से लोग घबरा जाते हैं। विमान में रखा सारा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है। लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हवा में ही हवाई जहाज फट जाता है और इसी बीच जूलियन अपना होश खो देती है। कुछ घंटों बाद जब जूलियन को होश आता है तो वो अपने आप को अमेजन वर्षावन जंगल के बीच पाती है। जूलियन की जब आंख खुलती हैं तो वो अपने ऊपर विशालकाय पेड़ों के झुंड से बनी एक छत को पाती है, जहां से प्रकाश की एक किरण भी उनकी ओर नहीं आ रही। जूलियन उस घने अमेजन वर्षावन में अकेली और असहाय है और अब उसकी माँ भी उसके पास नहीं है। जूलियन अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी राइट कॉलर बोन टूट चुकी है। जूलियन अपने आप को असहाय महसूस करती है और अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। जूलियन इससे पहले अपने परिवार के साथ जंगल में शोध का कार्य कर चुकी थी, इसलिए वो जंगलों के विशालकाय और रहस्यमय पेड़ पौधों, वहाँ के जहरीले कीट पतंगों से वाकिफ थी। लेकिन इस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। अब न परिवार उसके साथ है और न ही उसका शरीर। उसका शरीर अब बेजान है। वो ये जानती है कि इस घने और विशालकाय जंगल में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला, उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। ऊपर आसमान में उड़ते हुए जहाजों की आवाज को वो सुन सकती थी, लेकिन जंगल ज्यादा घना होने की वजह से कोई उसे देख नहीं सकता। जूलियन इस विशालकाय जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि बचाव दल उसे जल्दी से जल्दी देख ले और उसे अपने घर पहुँचा दे, लेकिन इसी सोच में एक और रात बीत जाती है। जूलियन इस जंगल में 3 दिन बिता चुकी है, लेकिन अभी तक जूलियन को कोई भी मदद नहीं मिलती। जूलियन अब मानसिक रूप से पूरी तरह हताश और निराश हो चुकी है। अमेजन वर्षावन की बेहद सर्द भरी रात में जूलियन के पास केवल एक शॉर्ट कुर्ती और एक सैंडल था। वो पेड़ों की पत्तियों की आड़ में जैसे तैसे अपनी रात काटती थी। 29 और 30 दिसंबर यानी 5वें और 6वें दिन जूलियन को वहां से बहती एक छोटी नदी मिलती है, जिसे देखकर उसके हताश मन में आशा की एक किरण नजर आती है। वो उस नदी के किनारे किनारे चलती है और उसमें तैरकर वो उसके अगले छोर पर पहुंच जाती है। अब जूलियन को लगने लगा कि वो अब जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगी, लेकिन समय की रफ्तार और धीमी हो गई और आज भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया और ऐसे ही 2 और दिन बीत गए। प्रत्येक रात को जब सूरज डूबता है तो जूलियन को एक सुरक्षित स्थान की जरूरत पड़ती जहां वो रात बिता सके, लेकिन मच्छर और मक्खियों की गूंजती आवाज से वो रात नर्क जैसी मालूम होती। इससे भी बदतर वे रातें होती जब बारिश होती और बर्फ की ठंडी बूंदें उसकी पतली गर्मियों की कुर्ती को भिगो देती और इसी के साथ उसकी अगली सुबह होती। भोजन न मिलने के कारण वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही।
जूलियन अब तक 8 दिन उस जंगल में बिता चुकी है और 9वें दिन की यात्रा पर निकली है। आज वो इस उम्मीद के साथ नदी में तैर रही है कि आज उसकी मदद के लिए कोई न कोई जरूर आएगा, लेकिन उसका कमजोर शरीर अब जवाब देने लगा है। नदी पार करने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने का प्रयास करती है। वहाँ चोटी पर पहुंचकर उसे एक छोटा सा आश्रय दिखाई देता है, लेकिन वहाँ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहीं एक रास्ता झोंपड़ी से जंगल की ओर जाता, जहां एक नाव भी खड़ी थी। जूलियन को अब भरोसा हो गया कि अब उसकी मंजिल मिल गई और इस नाव का मालिक उसे खोज लेगा। इसी विश्वास के साथ वो वहीं रुक जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं आता और अंधेरा होने के बाद उसे रात भी वहीं बितानी पड़ती है। मदद की कोई उम्मीद न देखते हुए अगली सुबह जूलियन जागती है, तब भी उस नाव पर कोई नहीं मिलता। अब जूलियन आगे जाने का फैसला करती है। इसी बीच फिर से बारिश शुरू होती है, जिस वजह से जूलियन को फिर से एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ता है। दोपहर के बाद जब बारिश रुकती है तो जूलियन अपनी आगे की यात्रा पर निकलती है। इसी बीच उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो उसे लगता है कि वो उसके कानों का भ्रम है, लेकिन वो आवाजें और करीब आने लगती हैं और 3 आदमी वहां आते हैं और उसे देखते हैं। इस अमेजन वर्षा वन में 11 दिनों तक संघर्ष करने के बाद 3 जनवरी 1972 को खोजकर्ताओं ने जूलियन की खोज की और उसे सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। लांसा फ्लाइट 508 की दुर्घटना में जूलियन की मां सहित 99 लोगों की मौत हुई थी। जूलियन ने जीवित रहने के लिए अद्भुत साहस, धैर्य और एक दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जो हम सबके लिए भी मुश्किल वक्त में प्रेरणा का एक स्रोत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।